बॉलीवुड के मशहूर कलाकार राजीव खंडेलवाल की फिल्म प्रणाम का नया गाना इलाही रिलीज हो गया है। इस गाने को गाया है बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम ने। ये गाना रिलीज होने के बाद ही दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। सोनू निगम की आवाज ने इस गाने को और भी ज्यादा सुनने लायक बनाया है। हम इस गाने की प्रतिक्रिया जानने के लिए जनता के बीच पहुंचे। आइए जानते हैं उन्होंने इस गाने के बारे में क्या कहा। तो फिल्म प्रणाम का गाना इलाही रिलीज़ हो गया है। फिल्म का गाना गाया है सोनू निगम ने। आज हमारे बीच हैं कुछ साथी जिनसे हम पूछेंगे कि उन्हें ये गाना कैसा लगा। तो प्रणाम मूवी का गाना अभी आपने सुना, इलाही कैसा लगा आपको? इट्स गुड। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ सोनू निगम, सो और वैसे भी गाना तो सही है ये। उसके सारे गाने ऑलमोस्ट अच्छे होते हैं, ऑलमोस्ट, एंड दिस वन इज़ गुड। कैसा लगा आपको गाना इलाही? फर्स्ट ऑफ ऑल सोनू निगम इज़ माई फेवरेट, एंड सेकेंड थिंग गाना काफ़ी अच्छा है। यू ऑल गो एंड मस्ट लिसन टू दिस सॉन्ग, एंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है उसका पिच, एंड आई रियली लव इट। थैंक यू। आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिज वर्क, तो एज सच कोई, एंड प्लस द सॉन्ग इज़ वेरी नाइस, तो उनकी पर्सनैलिटी को देखकर एंड प्लस द सॉन्ग अ किलर कॉम्बिनेशन आई वुड से। इट इज़ रियली हार्ट टचिंग, जैसा कि उनके सारे सॉन्ग्स होते हैं, दिस वॉज वन अमंग द बेस्ट आई कैन से। It was very good. Even I met Sonu Nigam in like real life, and he's a very good person. And the song he sings is very well. Even the song he sang in Agnipath was also like heart touching. And even this song is very well heart touching. फिल्म प्रणाम 9 अगस्त को 1400 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है। ये फिल्म राजीव खंडेलवाल और समीक्षा सिंह की एक्टिंग से भरपूर है और इसे और भी ज्यादा अच्छा बनाया है स्थानीय कलाकारों ने। अब ये बात देखने लायक होगी कि अगस्त के 9वीं तारीख को जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आती है तो क्या धमाल मचाती है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए लाइव उत्तराखंड, खबरें उत्तराखंड की।